अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय विनी कैफे, रिवाज फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड 100% एगलेस। एड्रेस बिलो AU बैंक, नियर कॉलेज चौराहा, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में, मैं आपके साथ उर्वशी। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाया गया। सेना और CISF की भी सहायता ली गई। इंदौर सहित कई जिलों से फायर सेंटर बुलाए गए। लगभग 500 से अधिक वाटर टैंकर का उपयोग किया गया। माना यह भी जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और तीसरी मंजिल से लगी आग छठी मंजिल तक पहुंच गई। सतपुड़ा भवन हादसे की जाँच कमेटी का काम शुरू हो गया। होम डिपार्टमेंट MP की कमेटी ने दौरा कर कहा 3 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देंगे। प्रथम दृष्टया कुछ नहीं लगता, गहराई से जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग सतपुड़ा में लगी आग पर विपक्ष ने BJP सरकार पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया कि वहां 4000 कर्मचारी थे, कैसे कोई कोरोसिन पेट्रोल ले जाता। कांग्रेस अवसर तलाश रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतपुड़ा की भीषण आग के बाद हाई लेवल कमेटी गठित कर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। ACS होम राजेश राजौरा ने कहा प्रारंभिक जायजा लिया है, अभी आग लगने के कारणों पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं सतपुड़ा भवन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का काम शुरू हो गया है। आज सतपुड़ा भवन में संचालित होने वाले सभी दफ्तरों के कर्मचारियों को अवकाश दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सतपुड़ा भवन में लगी आग को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। उन्होंने आगे कहा कि इसकी स्वतंत्र जांच हो। कमलनाथ ने कहा अभी तक बोला गया है कि 12000 फाइलें जली हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि कितने हजार फाइलें जली हैं। क्या उद्देश्य और लक्ष्य था? ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है, इसकी स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री PCC शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आग बुझने के बाद सतपुड़ा भवन के अंदर जाने से रोक दिया गया है। PCC शर्मा ने कहा सरकार के सतपुड़ा भवन में 12000 फाइलें जो नर्सिंग घोटाले से लेकर कोविड घोटाले की थी जलकर खाक हो गई हैं। बाकी बची फाइलें भी जलाने की तैयारी चल रही है, इसीलिए हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है। 50% कमीशन बाजी अंत दिखा तो आग लगा दी। BJP से कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने ट्वीट कर लिखा यह मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की लपटे हैं। विभागों के भ्रष्टाचार की फाइलें जलाकर खाक कर दी गईं। यह आग कितनी परिस्थितियों में लगी? आखिर इतने महत्वपूर्ण भवन में क्यों आग पर काबू पाने पर्याप्त साधन नहीं थे? इस अग्निकांड की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। बता दें कि सतपुड़ा भवन में इससे पहले 14 दिसंबर 2018 को भी आग लगी थी। विधानसभा चुनाव के बाद ठीक, लेकिन लगी इस आग से बड़ी संख्या में संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले भी इसी भवन की तीसरी मंजिल पर आग की लपटों ने फाइलें जला दी थी। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फाइल जली हैं। उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था? ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसको पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि 230 घोटाले हुए, उनका ये कहना और वहाँ की सभा जो सफल हुई उसको देखते हुए सरकार को लगा कि हम जाने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान को, तो 3:30 बजे यहाँ आग लगा दी गई। कर्मचारी भागे, कहीं कर्मचारी इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये मैं समझता हूँ कि सतपुड़ा अब तो बंदी हो जाएगा 2-4-6 महीने, ये कहाँ चलेगा जब 15000 फाइलें जल गई हैं। ये जो कोविड काल के अंदर कोरोना में जो 40000 का कंसंट्रेटर लिया था वो 2.5 लाख बताया गया,
और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नर्सिंग घोटाले जिसको कि हाईकोर्ट ने 56 कॉलेज चिन्हित किए वो सब फाइलें जला दी गई और डॉक्टर साहब को हमको इसलिए नहीं घुसने दिया जा रहा है कि बची हुई फाइलें और जलाना है इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। इसकी घोर निंदा करते हैं और इस मामले के जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस से सिटिंग जजेस से इसकी जांच होना चाहिए तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है ओके। अपडेट स्पॉन्सर्ड बाय विनी कैफे रिवास फर्स्ट सर्टिफाइड वेज बेकरी एंड 100% एगलेस एड्रेस बिलो AU बैंक नियर कॉलेज चौराहा रीवा।